माय यूट्यूब चैनल बेस्ट आइडियाज़ विद सना। तो कैसी हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, सो वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच कीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी लॉरियल पेरिस के हेयर कलर के बारे में। जी गाइस, ये हेयर कलर जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे है ये हेयर कलर। सो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को इसका जो है रिज़ल्ट बताऊं। सो गाइस, ये है लॉरियल पेरिस जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है ब्रांड है। और आजकल के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने बालों पे हेयर कलर को पसंद ना करता हो। मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अपने बालों में हाईलाइट, स्ट्रीकिंग वगैरह को पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से मैं ये वाला जो कलर है आपको इसके बारे में बता रही हूँ। कलर आपने देख ही लिया होगा कि कौन सा है, ये गोल्डन सा कलर है और मुझे ये बहुत पसंद आया। सो मैंने इसीलिए ये कलर जो है ये बाय किया। मुझे गोल्डन और गोल्डन ब्राउन टाइप के शेड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये आप इसके ऊपर लिखा है कि एक्सीलेंस क्रीमी कलर है और ट्रिपल प्रोटेक्शन जो है क्रीम है ये, और 100% जो है आपके बालों की जो ग्रे कवरेज होती है ये उसको मतलब बहुत ज़्यादा कवर करता है। जिनके बाल सफ़ेद होते हैं ये स्पेशली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आपकी जो ग्रे कवरेज है उसको जो है ये अच्छे से कवर करेगा और आपके इसके साथ साथ ये आपके बालों को मज़ीद वाइट होने से भी बचाएगा और आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा। इसमें कैरेटिन जो है वो भी इसमें शामिल है। और इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो मुझे ये लगी है कि इसमें उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो सहूलियात हैं वो उसमें एक में दी हुई हैं। तो अब मैं पहले आपको इसको अंदर से ओपन कर बताऊँगी और ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या कुछ शामिल है, फिर मैं आपको इसकी प्राइस और इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये देखें गाइस, ये इसकी सारी चीज़ें हैं जो जो इसमें शामिल हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना कुछ जो है वो दिया गया है इस एक कलर में। तो ये कोई आम कलर नहीं है, कोई लोकल नहीं है, ये एक बहुत अच्छे ब्रांड का कलर है जिसमें आपको आपके हेयर्स की केयर के लिए हर तरह की जो इसमें चीज़ें हैं वो दी गई हैं। तो ये देखिए गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ओपन करके रखी हैं। तो सबसे पहले जो इसका नंबर वन पे जो चीज़ आती है वो है ये। जी गाइस, ये है इसकी नहीं, नंबर वन पे जो चीज़ है ना वो है ये वाला। जी गाइस, तो ये वाला इन्होंने सबसे पहले दिया लॉरियल पेरिस का एक्सीलेंस प्रोटेक्टिव सीरम। सीरम है गाइस ये वाला, हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम है। तो इसको आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने कलर करने से पहले सबसे पहले आपने ये वाला जो सीरम है अपने बालों का जो ड्राई एरियाज़ हैं, ड्राई पार्ट्स हैं, जो नीचे से आपके बाल जो होते हैं, आपके स्प्लिट्स एंड जो होते हैं वो जो डैमेज हो चुके होते हैं, ये आपने उनके ऊपर लगाने हैं ताकि कलर से आपके जो बाल हैं मज़ीद डैमेज ना हो। ये आपके बालों को इससे प्रोटेक्ट करेगा और आपके बालों को डैमेज होने से बचाएगा। सो आपने ये सिर्फ अपने डैमेज जो पार्ट्स हैं बालों का नीचे वाला, अपनी रूट्स पे नहीं, जो आपके स्प्लिट्स एंड हैं उन पर आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। और ये अप्लाई करने के बाद आपने अपने बालों पर जो है वो कलर करना है। तो जो नेक्स्ट इसका है सेकंड पार्ट वो है गाइज ये कलर क्रीम। जी गाइज, ये कलर क्रीम ये और साथ में गाइज ये दिया गया है इसका क्रीमी डिवेलपर। जी गाइज, इन दोनों चीज़ों को आपने बराबर मिकदार में मिक्स करना है, यानी अगर आपने पूरे बालों पे करना है फिर तो ये पूरी ट्यूब और ये सारा ही डिवेलपर जो है ये यूज़ होगा। इनको आपने अच्छे से मिक्स करके और फिर आपने अपने जो पूरे बाल हैं ये उन पर अप्लाई करना है किसी बाउल में निकाल लें। और उसके साथ साथ गाइज, ये इसकी बॉटल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है
और ये इस तरीके से, ये देखें आप, यहाँ से ओपन होगी और ये डिवेलपर यहाँ से जो है वो इजीली बाहर आ जाएगा। और ये बोतल आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के बाद आप ये वाला जो इसका कैप है ये चाहें तो ये लगा लें, और ये वाला भी आप इस पर लगा सकते हैं, और देन फिर आप इससे भी अपने बालों में ऑयल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यानी आपके रूट्स तक जो ऑयल है ये पहुँचाएगा, तो इसीलिए इस बोतल को आपने फेंकना नहीं है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, इसका जो फोर्थ स्टेप है गाइज, वो दिया गया है ये गाइज, ये है कंडीशनिंग बलाम। जी गाइज, ये कंडीशनिंग बलाम है। इसको क्या करना है, ये एज ए कंडीशनर के तौर पर आपने अपने बालों में इसको अप्लाई करना है आफ्टर द कलर। जी गाइज, जब आपका कलर आ जाएगा, आपके हेयर वॉश हो जाएंगे, तो देन फिर आपने जो है ये वाली हेयर बलाम जो है ये अपने बालों में यूज़ करनी है एज ए कंडीशनर। और ये यानी इससे आपके बालों में जो है आपके बालों का ये जो डैमेज होने का जो जितना भी खदशा होगा ना, वो सारा दूर हो जाएगा। यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके बालों को कोई ख़तरा हो कि आपके जो बाल हैं वो डैमेज हो जाएं। और साथ ही साथ इसमें ये ग्लव्स का भी एक पैक दिया गया है, और ये एक इंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने अपना पंपलेट भी इसमें दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या सारा कुछ इस पर मैंशन किया गया है, ताकि आप एक बारी अच्छे से देख लें इस पर, आपको पता चल जाए कि आप इसको किस तरीके से, किस तरह इस सारी चीज़ों को आपने यूज़ करना है। ये देखें, यहाँ पे जो कलर है वो इस तरीके से आपकी रूट्स तक लगाया जा रहा है, यानी इसी बोतल के ज़रिए ही लगाया जा रहा है। आपको जैसे ईजी लगे तो आपने उसी तरीके से इसको यूज़ करना है। इसके और भी बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं, और बहुत अच्छा ब्रांड है ये, पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है ये, आउट ऑफ कंट्री का ब्रांड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मस्त इसको बाय करें। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन रिज़ल्ट के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है, दिखने में, पैकेजिंग के लिहाज से, और हर तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, यहाँ पे इसके सारे जो शेड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। अब चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ जी गाइस, और इसकी जो प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1500 रुपये है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस जो है वो 1500 रुपये है इस सारे पेयर की। आप इसको हाफ हाफ करके भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आपने कंप्लीट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप पे रिकमेंड करता है आपने सारा यूज़ करना है, पूरे बालों में या हाफ बालों में। इसके अलावा जो भी सारी बातें थी गाइस मैंने आपको बता दी हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस कलर के बारे में वो मैंने अब आपको बता दी है। यानी एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी को देखना पड़े या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये दोनों चीज़ें आपने बराबर क्वांटिटी में ऐड करके और इसको आपने अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, और आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जो कलर है डायरेक्ट आपके बालों में आ जाएगा विदाउट एनी कट डाउन। जी गाइज, विदाउट एनी कट डाउन आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। आपके बाल डैमेज हुए बगैर आपके बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगे। और इसके अलावा इस कलर को आप अपनी जो हाइलाइट्स हैं जिनको आप कट डाउन कर लेते हैं, आप ये उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आपने क्यूने की ट्यूब ही यूज़ करनी है, आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं अपनी उन लेयर्स पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो जो लेयर्स हैं उनकी लुक आएगी, और साथ ही साथ जो आपके बालों में कट डाउन के जो असरात होते हैं ना गर्ल्स, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी कट डाउन के बाद आपने सबसे पहले ये सीरम लगाना है, उससे आपके बाल बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ड्राई डैमेज जो हो जाते हैं कट डाउन के बाद बहुत ज़्यादा, वो नहीं होंगे, तो ये उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने पूरे बालों में कट डाउन किया है तो भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट आएगा, और ये आपकी हाइलाइट्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, और फिर मेरे साथ इसके जो रिव्यूज़ हैं, इसका जो रिज़ल्ट है, वो मेरे साथ आपने मस्ट शेयर करना है। मुझे बताना है कि आपको इसके रिज़ल्ट कैसे मिले हैं। और ये जो मैं कलर यूज़ करी हूँ ये 8 है ब्लॉन्ड, ठीक है, ये 8 इसका नंबर जो है वो 8 है। सो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।